नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबा स्वामी ओम जी, जो कि बिग बॉस में कंटेस्टेंट रह चुके हैं। आज वो किसी हालात से घर से बाहर है। आज हमारे साथ उनसे बात करने के लिए खुद ही स्वामी जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आप बिग बॉस से बाहर आ चुके हैं, क्या वजह रही, क्या कारण रहे जिसके कारण आप बिग बॉस से बाहर आए? मैं बिग बॉस से बाहर मैं खुद आया हूँ, क्योंकि बिग बॉस को लात मार करके आया हूँ, क्योंकि सलमान खान ने अपने आप को मेरे सामने ये कहा कि वो देशद्रोही है। मैं देशद्रोही से नफरत करता हूँ। सलमान खान को मैंने थप्पड़ मार करके उसको इस बात की सजा दी, और उसके वजह से मुझे निकाला गया, जो अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। सलमान खान खामोश है, इसका सीधा मतलब है कि जो मैंने जो थप्पड़ मारा वो बात सच है, वो साबित हो चुका है। और उसके अलावा अभी उसका जो TRP है वो खत्म हो चुका है। करोड़ों लोग वहां पर उनको SMS कर रहे हैं कि स्वामी ओम जी को नहीं बुलाओगे हम तुम्हारा देखेंगे नहीं इसको। अब हालत यह है कि या तो वो 28 जनवरी से पहले मुझे बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो 28 जनवरी के फिनाले वाले दिन मैं सलमान की हड्डियां तोड़ूंगा स्टेज पे पहुंच करके, और बिग बॉस के घर में आग लगाऊंगा। जो लड़के लड़कियां वहां पर होंगे उनको उठा करके मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा और उनका बयान करवाऊंगा। जी, सलमान खान तो आपके ग्रेट हीरो रहा करते थे, वो क्या कारण था कि किस कारण आप उनको हर हफ्ते हर वीकेंड उनको ग्रेट हीरो कहा करते थे? सलमान खान मेरे नजर में बरसों से देशद्रोही हैं, और ये तो सर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप हर वीकेंड पे उनको ग्रेट हीरो कहा करते थे, उसके पीछे क्या राज था? क्योंकि हमने देखा कि आपने जिस तरीके से जी मैं उसके पीछे राज ये सिर्फ इतना सा था कि जब मुझे यहाँ पर लेकर के गए हैं ये लोग 15 अक्टूबर को, तो बेनेटी में ही उन लोगों ने कह दिया कि हमने आपको किडनैप कर रखा है, हम जो भी आपको कहेंगे वो आपको डायलॉग बोलना पड़ेगा, वरना हम आपकी हत्या कर देंगे और हम बाहर ये दिखा देंगे कि आपने सलमान कुमार आत्महत्या कर ली है। अपनी जान को बचाने के लिए उनके हर डायलॉग को मैंने बोला है, हर एक्टिंग मैंने की है जो मुझे नहीं करना था। सर, आप तो हजारों कैमरों के बीच थे, फिर भी आपका क्या वजह रही कि आपने जिस तरीके से बिग बॉस के अंदर उन पर आरोप लगाए? क्योंकि हमने देखा कि आप बिग बॉस में शुरू में बहुत ज्यादा खुश थे, आप बहुत ज्यादा खुश रहे बिग बॉस के अंदर, आपके अच्छे मित्र भी बने, और आपने फिर लास्ट में आपका ऐसा क्या कारण रहा कि जो बिग बॉस आपने तरीके से? मैं कभी भी खुश नहीं रहा, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं दुखी ही था। जब आप मुझे हंसते हुए देख रहे हैं वो एक्टिंग है, जब रोते हुए देख रहे हैं वो रियलिटी है, जब प्यार से बात करते हुए देख रहे हैं वो रियलिटी है। तो ये और मुझे वहां से जान बचा करके आप लोगों के बीच आना था, सच्चाई बतानी थी कि बिग बॉस एक सबसे गंदा शो है, पूरे भारतीय परिवारों को नष्ट कर रहा है, भारत को बर्बाद करने के लिए, सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए है, और सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए ही CIA के एजेंट बिग बॉस का गैंग और ISI का एजेंट सलमान खान का गैंग इस देश को बर्बाद करने के लिए बिग बॉस को चला रहा है। बाबा जी, आपका मनवीर के ऊपर क्या कहना होगा कि क्या मनवीर, आप सपोर्ट करते हैं मनवीर को? अगर बिग बॉस के अंदर कोई विनर बने आगे तो आप किसको कहेंगे, किसका नाम आप रखना चाहेंगे, कौन आपका फेवरेट है? देखिए, मनवीर मेरा धर्म बेटा है। महाराज सिंह जी जब उनसे मिलने के लिए गए थे, मैंने अपने आपको नॉमिनेट किया था, मैंने कुर्बानी दी थी उसके लिए, लेकिन मनवीर के लिए मेरा जाना जरूरी है। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मनवीर विनर नहीं बनेगा, क्योंकि मनवीर ने मनु को वचन दे रखा है कि यदि हम और तुम वहां जाएंगे तो तुम्हारे लिए मैं हार मान लूंगा, और वो वचन का पक्का है, वो बहुत अच्छा बच्चा मतलब है। आपका फेवरेट मनवीर है, डेफिनेटली वो मेरा धर्म बेटा है। ओके, जैसा कि आप हमारे साथ स्वामी ओम जी हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर, और इनका भी अब घर के अंदर फेवरेट मनवीर गुजर हो चुका है, और इसी के साथ हम फिर कभी और कहीं किसी और सेलिब्रिटी के साथ मिलेंगे। नमस्कार, अजीम अली गौरव शर्मा के साथ।